हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वेट लॉस ड्रिंक के वीडियो आपके साथ शेयर किए और आप उन सभी वीडियोस पर आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिला और आपने काफ़ी पसंद किए वो सारे वीडियोस। काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि मैम ये जो ड्रिंक्स है वेट लॉस ड्रिंक्स है वो पीने में हमें टेस्टी नहीं लगते हैं। तो उन सब के लिए आज का वीडियो, जिन लोगों को वेट लॉस ड्रिंक भी चाहिए, हेल्दी ड्रिंक चाहिए और उससे उनका वज़न भी कम हो और वो जो पीने में भी टेस्टी लगे, तो आज मैं आपको वही एक ड्रिंक बताने वाली हूँ कि वो हम किस तरह से बनाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अच्छी एक वेट लॉस ड्रिंक बताऊंगी जो टेस्टी भी होगी और हमारे वज़न को भी कम करेगी। आपको डेली उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बनाने में ईजी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले, चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया है, जाके वहां पर चेक करो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो ड्रिंक है उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो लगेगी उसका नाम है धनिया। एक मुट्ठी भर हमें धनिए की पत्तियां इस ड्रिंक को बनाने में लगेगी। तो अब धनिए के क्या क्या फायदे होते हैं हम वो जान लेते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को जब हम लेते हैं या खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे पहले जब हमें फ़ायदे उसके पता होते हैं तो हम उसे लेने में इंटरेस्ट दिखाते हैं और हमारी जो बॉडी है वो हमारे माइंड के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इससे ये होता है कि जब हमें फ़ायदे पता होते हैं तो हमारी बॉडी पर भी वो फ़ायदे बहुत अच्छे से दिखने लगते हैं और जल्दी दिखने लगते हैं। तो फ़ायदे जान लेते हैं। तो धनिया जो होता है उसमें क्या होता है, धनिया हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो धनिया उनकी कब्ज़ की समस्या को सॉल्व करता है और हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। धनिया हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए भी धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। धनिए को अगर हम डेली लेते हैं, यानी किसी भी फॉर्म में लेते हैं, जूस के फॉर्म में लेते हैं या डायरेक्ट धनिए को भी अगर हम लेते हैं, तो जिनको टॉयलेट कम लगती है, मतलब जिनको यूरिन कम लगती है, कम आती है, तो वो धनिया जो है यूरिन के फ्लो को भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारे पेट की गंदगी ख़त्म हो जाती है और जो हमारी बॉडी में गंदा पानी होता है वो भी हमारे शरीर से निकल जाता है। यानी वो हमारे वाटर लेवल को भी कम करता है। धनिया हमारे वाटर लेवल को भी कम करता है और वाटर लेवल की वजह से भी हमारा वज़न बढ़ता है। अगला जो फ़ायदा है कि धनिया जो है वो हमारे ब्लड को भी प्यूरीफाई करता है, यानी प्यूरीफायर की तरह काम करता है। धनिए को अगर हम किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो इससे हमारा खून साफ़ होता है। अगर हमारा खून साफ होता है तो हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगती है, यंग लगती है। यानी अगर हम धनिए को खाते हैं तो हमारी जो स्किन है हमेशा यंग और खिली खिली दिखाई देती है। तो हमें चाहिए एक मुट्ठी भर धनिया। अगली क्या चीज़ है जो हमें चाहिए, तो अगली चीज़ हमें चाहिए नींबू। नींबू हमारे वेट लॉस के लिए किस तरह से हमारी मदद करता है वो जान लेते हैं। तो नींबू में बैक्टीन होता है जो कि सॉल्युबल फाइबर होता है और हमारे वेट लॉस के लिए काफ़ी मदद करता है। नींबू में हमारी जो एज है, अगर हम नींबू का जूस पीते हैं डेली, हम अगर लेमन जूस लेते हैं, तो वो हमारे जो स्किन पर हमारी उम्र को बढ़ने नहीं देता है। मतलब हमारे अगर स्किन पर बहुत ज़्यादा जिनकी उम्र बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, तो उसको भी वो दिखाई नहीं देने देता है, जिसकी वजह से हम हमेशा जवान रहते हैं और यंग दिखते हैं। तो इस तरह से नींबू फ़ायदा करता है। अगली जो चीज़ है वो हमें चाहिए रॉक सोल्ट, यानी कि सेंधा नमक, जो नमक हम व्रत के टाइम खाते हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि सेंधा नमक क्या होता है, तो अपने ही घर के किसी बड़े से पूछिए, तो वो आपको बताएंगे कि सेंधा नमक जो हम व्रत के टाइम नमक खाते हैं वो होता है। तो ये क्या फ़ायदा करता है, तो जो सेंधा नमक होता है उसमें कम सोडियम होता है। कम सोडियम होने की वजह से ये हमारे बीपी को नुकसान नहीं करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो वो हमारे वेट लॉस के लिए भी काफ़ी हद तक ये हमें मदद करता है। अगली चीज़ जो हमें क्या चाहिए, अगली चीज़ चाहिए हमें एक ग्लास गर्म पानी। अब देखते हैं हम इसे बनाएंगे कैसे।
तो हम इसको बनाने के लिए जो हमने एक मुट्ठी भर हमने धनिया लिया है उसको अब हमें अच्छे से पीस लेना है। मिक्सी जार में आप अच्छे से उस धनिये को पीस लीजिए। अब ये जो पिसा हुआ धनिया है उसे आप एक ग्लास में डायरेक्ट डाल दीजिए। अब इसमें आपको 3 चम्मच नींबू का रस डालना है। 3 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। कोशिश करिएगा कि नींबू के जो बीज है वो इसमें ना जाए, यानी इनको आप अलग कर लीजिए। इसके बाद आपको स्वाद अनुसार उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डाल देने के बाद आपको इसमें डालना है गर्म पानी, यानी जो हमने पानी लिया एक ग्लास वो होना चाहिए हमारा गर्म पानी, यानी अच्छे से उबाल आने तक आपको वो गर्म करना है और उस गर्म पानी को आपको इस एक ग्लास में भर देना है ऊपर तक, यानी एक पूरा ग्लास जो है हमारा फुल हो जाना चाहिए उतना आपको इस गर्म पानी को डाल देना है। गर्म पानी क्या करता है? गर्म पानी ये करता है कि जब भी हम गर्म पानी हमारे बॉडी में जो हमारा फैट होता है, जो हमारी चर्बी होती है, उसे पिघला देता है। हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। पिंपल्स, अगर जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा टीनेजर्स हैं उनके पिंपल्स हैं तो वो पिंपल्स को नहीं आने देगा और हमारे चेहरे को हमेशा यंग रखेगा। जिनकी चेहरा जो है डल हो चुका है तो उनको भी गर्म पानी ज़रूर लेना चाहिए। और गर्म पानी के लिए तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस ग्लास में गर्म पानी को फुल ऊपर तक भर देना है। अब हमें इसे एक किसी भी चीज़ से आप इस ग्लास को ऊपर से बंद कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए। अब इसे आप तब तक इसके ढक्कन को या इसके कवर को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि ये लूप वार्म वाटर नहीं हो जाता, यानी कि हल्का गुनगुना हमें पानी इसे करना है। ये ड्रिंक हमें इसका जो लिड है यानी इसका जो ढक्कन है हमें तब हटाना है जब ये कि नॉर्मल पानी हो जाए, यानी नॉर्मल गर्म हो। उबलता हुआ पानी हमने डाला था उससे कम हमें लूक वार्म वाटर जितना गर्म इसको कर लेना है, यानी थोड़ा ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसका लिड यानी इसका ढक्कन हटा सकते हैं। इसका ढक्कन हटा देने के बाद आप इसे कहीं पे भी बैठ कर पियेंगे, सोफे पे, ज़मीन पर या कहीं पर भी आपको इसको बैठ कर पीना है, खड़े होकर नहीं पीना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी ड्रिंक हो, चाहे हम नॉर्मल पानी ही क्यों ना पी रहे हों, हमें वो खड़े होकर नहीं पीना है, बैठ कर पीना है। क्योंकि जब हम कोई पानी, लिक्विड या कुछ और जब हम खड़े होकर पीते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे घुटनों से कनेक्ट होता है, मतलब जब हमारी उम्र बढ़ेगी तब हमारे घुटनों में दर्द हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा आज से ही कि हम बैठ कर पानी पिए, कोई भी लिक्विड फॉर्म है जब हम पी रहे हैं तो हम उसे बैठ कर पिए इस तरह से। तो ये ड्रिंक आप कब ले सकते हैं? ये ड्रिंक आपका मन करे आप तब ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदे तभी होंगे जब आप इसे सुबह बासी मुंह पियेंगे और आधे घंटे के बाद तक आप कुछ मत खाइए, आधे घंटे बाद आप पी सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, टीनेजर्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैम हम ले सकते हैं ये ड्रिंक? तो बिल्कुल आप ये ले सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगी। तो जो भी मेरे टीनेजर्स हैं वो ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करें और अपनी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अपने बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करें। इस ड्रिंक को पीने से आपका वेट भी बहुत जल्दी से कम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है कि आपको ये डेली लेना है। तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, और अगर सुबह बासी मुंह लेंगे तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दे देना, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पर अब तक भी नहीं आए हो तो प्लीज़ अब आ जाओ, इंस्टाग्राम पर भी मिलते हैं नए वीडियो में आपके ही टॉपिक के साथ। बाय बाय।